आप मानो या ना मानो, हमारे आसपास कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी एंटिटीज हैं जो हमसे बात करना चाहती हैं, हमें बुलाना चाहती हैं, वो हमें सुन सकती हैं। ये इतना ड्रामेटिक स्टार्ट क्यों कर रही है तू वीडियो का? देखने वाले कुछ ऐसी वीडियोस जो होने वाली है बहुत स्पूकी। हॉरर सीरीज ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, आपको इस वीडियो को देने हैं 250K लाइक्स। हम कोशिश करेंगे कि हर मंथ में एटलीस्ट 2 या 3 हॉरर वीडियोस हम लाते रहें। वैसे ही प्रिंडा तेरे एक वीडियो पेंडिंग है, लिविंग विद हॉन्टेड डॉल फॉर 24 आवर्स। मैं तो जीती जागती हॉन्टेड डॉल के साथ रहती हूँ। अच्छा, वाह, जल्दी से ना डॉल ऑर्डर कर और रह उसके साथ। और कॉमेंट्स में आपको बताना है हमारे साथ साथ देखते देखते ये वीडियोस की कौन सी रियल है और कौन सी फेक। चलो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो पहली वीडियो हम देखने वाले हैं, इसके अंदर एक सिंगल मदर है जो अपने बच्चों के साथ घर में रहती थी और उसके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई जिससे वो बिलीव नहीं कर पाई और उसने वो घर छोड़ दिया। अभी मुझे बोलते बोलते गूज बम्स आ रहे हैं। आई एम प्रीटी श्योर ये फुटेज देखने के बाद आप लोग भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। लेट्स वॉच इट। तो इस लेडी ने ना अपने घर पे कैमरास इंस्टॉल करे हुए हैं एंड तो देख रहे हैं दरवाजा खुला अपने यहाँ पर, ये कुछ अजीब सी शैडो बनी हुई है ना, कोई एक शैडो है जो डोर को ओपन कर रही है। एग्जैक्टली और क्लोज, मतलब एक्चुअली डोर ओपन क्लोज ही हो रहा। ये जो तो ये देख रहा है कोई ओल्ड लेडी लग रही है। जब भी कोई बाहर जा रहा है या कोई अंदर आ रहा है ना, हाँ, तो वो शैडो उसको फॉलो कर रही है। आवाजें आ रही है, बहुत ही आवाजें आ रही है। बहुत शेडी वीडियो है यार। कह रही है कि 3 बजे रोज रात को मेरे बच्चे चीखते चिल्लाते हुए। वैसे भी 3 बजे केविन आ रहा है। एग्जैक्टली, वो देख कर ही अपने बच्चों पे चेक कर ले। एवरी नाइट डूड, शी इज लाइक एवरी नाइट मेरे साथ ऐसा होता है। अरे तो बहुत ज्यादा स्पूकी है। ओ अभी बात कर रहे हैं, बताओ स्पोर्ट्स से। वेयर इन द बॉयज रूम, तो बच्चों की रोने की आवाजें आने लगी। वो बी लाइक कोई प्रिवेसी की कोई वो नहीं है, बच्चों को परेशान कर रही है यार। उन्होंने दरवाजा ही तोड़ दिया अपने घर का, जहाँ से उनको लगता था कि बच्चों के रूम में कोई आती है घोस्ट। उसे पूछ रहे हैं कि तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो हमें बताओ। उसने कहा कि कैमरा मूव करो, इफ यू आर हियर। उन्होंने कैमरा मूव किया। यार कंटीन्यूअस आवाजें हैं यार, कि बेबी लॉक हो गया अलमीरा के अंदर। यार दोस्त यार बड़ा परेशान कर रही है बच्चों को यार। इसकी आवाजें आती है, क्रीपी वॉइसेस। कांट बिलीव इट। बच्चा सो ही नहीं पा रहा यार। आई कांट बिलीव कैसे इतने दिन तक वहाँ रही होगी। एंड में लिखा थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू डिडंट गेट टू फ्रीक्ड आउट। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यार मिनी मतलब पैनिक अटैक। क्या लगता है ये रियल है? आई थिंक ये रियल हो सकता है यार। प्रेरणा हमने इतनी वीडियोस देखी है घोस्ट की, मेरे को लग रहा है अब तक ना ये बेस्ट एविडेंस है यार। एग्जैक्टली, जो प्रूफ करती है इन्होंने कैप्चर करी है ना, ये इतनी सॉलिड है और मतलब एक एक्चुअल में एविडेंस है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। इट्स क्रेजी एज हेल। सीरियसली लोगों का ड्रीम होता है यार कि मतलब क्रिकेटर से मिलेंगे, एक्टर से मिलेंगे। मेरा ड्रीम है मुझे घोस्ट से मिलना। हिम्मत है नहीं, आज को ना सोते हुए अजीब अजीब आवाजें निकालती है। एक दिन पता है क्या हुआ है, 4 या 5 बजे थे, मैं देख रहा हूँ जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही है। मैं हंस रही थी। तू हंस रही थी। बोलता है। मत देखा अगर ऐसी वीडियोस, पागल हो जाती है। एक्चुअली मैं हंस रही थी। ये क्या है? कैसी वीडियो की स्टार्ट हो रही है? यार इसे हटा, मेरे से नहीं देखी जा रही। यार हर्ष क्या है आगे करने, यार वीडियो दिखा है, क्या दिखा रहे हैं? सबरीना नाम की लड़की है, उसे लगता है कि उसका अपार्टमेंट हॉन्टेड है और अपने आप ही वहाँ पे डोर्स बैंग होती हैं, अजीब और गरीब एक्टिविटीज होती हैं। तो फाइनली उसने ना कैमरा इंस्टॉल किया अपने अपार्टमेंट में और तो देख रही ना उसकी कैट कुछ अजीब और गरीब हरकतें कर रही है। ये कैसे उड़ गई, जंप पे मार रही है बेचारी कैट का क्या हाल किया भूत ने यार। भूत को थोड़ी तो इज्जत होनी चाहिए पेट्स की। तूने देखा इस कैट की तो लेग ही नहीं है यार, उसके लिए तो पॉसिबल ही नहीं ऐसे हवा में टपड़ियां मारना। फाइन चिलिंग।
ये फुटेज है फुकेत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, सबसे ज्यादा बिजी एयरपोर्ट की. ओके, ये पैसेंजर्स आ रहे हैं, अभी प्लेन लैंड किया और एकदम से पैसेंजर्स आ गए. बट कोई प्लेन लैंड ही नहीं किया प्रेरणा, वहाँ पे कोई प्लेन नहीं है. पैसेंजर्स आ कहाँ से रहे हैं? तो यही तो चीज है प्रेरणा, वहाँ पे कोई प्लेन अपेरेंटली लैंड करा ही नहीं और वहाँ कोई प्लेन खड़ा भी नहीं और पैसेंजर्स मूव करे जा रहे हैं. ये कौन सा टनल फ्रॉम हेवन या हेल से आए हैं क्या ये पैसेंजर्स जो कहीं से भी अपने आप उड़ के आ रहे हैं? गाइस, जब प्लेन लैंड करता है तो एक ऐसी ट्रॉली लगती है जिसके अंदर से सब निकल के जाते हैं, पर जब प्लेन ही नहीं लैंड किया तो वो पैसेंजर्स आए कहाँ से और गए कहाँ? अब एयरपोर्टों पे भी भूत दिख रहे हैं, कभी प्लेन के अंदर दिखते हैं कभी एयरपोर्ट पे दिखते हैं, मतलब इनके तो कोई दीदीमान ही नहीं है. गाइस, ये दो बहनें हैं, ये कोई कैटलीना नाम का रिचुअल कर रहे हैं जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, पर कहते हैं कि ये रिचुअल करने से भूत आता है. इन्होंने डॉल भी ऐसी रखी हुई है कि भूत ना भी चाहता होगा तब भी आएगा. वो पेंसिल वाला हमने किया था, चार्ली ब्लडी मैरी किया था, अब ये नया है कैटलीना. हम भी ट्राई कर लेंगे अगर इसका वर्क करता है, देखते हैं करता है नहीं करता. बट तू ये देख रही है इसके पास है क्या? डॉल, लिविंग विद हॉन्टेड डॉल करना था, याद है ना तुझे? यार तू मेरे पीछे क्यों पड़ गया यार? यार तू कर ना चैलेंज, करती है तो पूरा करा कर. अच्छा ठीक है, करूंगी, बोला ना करूंगी यार. कैटलीना कम बैक टू लाइफ, कैटलीना कम बैक टू लाइफ, दैट द डेविल टेक्स अवे फ्रॉम यू. कैटलीना मतलब एक भूतनी को ये बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस शैतान ने तुम्हारी जिंदगी छीनी थी वो तुम्हें वापस देना चाहता है. आओ आओ कैटलीना, तुझे क्या लगता है कि कैटलीना? अरे बिल्कुल आएगी, पक्का आएगी. कैटलीना मना के तेरी लो स्पैनिया, जो ये लैंग्वेज बोल रहे हैं ना मुझे वैसे डर लग रहा है. मुझे ये डॉल देख के डर लग रहा है यार. मुझे तो लग रहा है प्रेरणा, क्या लग रहा है ये ना, वो चाबी वाली डॉल थी, उन्होंने चाबी भरी और वो डॉल मूव कर गई ऐसे. सकता है, पर यार चीखी इतनी तेज ना मेरे कान के पर्दे फट गए. यार वैसे जो उनके रिएक्शन थे ना वो बहुत जेन्युइन थे. कैटलीना लोले पांच आना, तू रात को नींद में सोते है बोले कैटलीना मैंने एक बॉटल की पानी की सर पे तेरे डाल दी. जो हम ये वीडियोस देख रहे हैं ना आज के, एक्चुअल में इतनी ज्यादा मतलब रियल लग रही है, ऑथेंटिक लग रही है ना. आज तक जितनी देखी है उनमें से कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि रिवोल है, बट ये वीडियोस देख के एक्चुअल में लग रहा है कि यार हो सकता है. तो गाइस, ये हॉस्पिटल की एक फुटेज है जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ने ऑब्जर्व किया कि व्हीलचेयर पहले लेफ्ट साइड में पड़ी थी, फिर वो मूव करके राइट साइड में चली गई. तो उसने क्या किया, कैमरा ऑन किया, कह रहा चलो रिकॉर्ड करके देखता हूँ कि एक्चुअल में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा या मेरा सिर्फ वहम है. बड़ा ब्रेव सिक्योरिटी गार्ड है, भाग जाना चाहिए था पागल को यार. बट उसने अभी तक देखा ही नहीं था ना, कोई भी नहीं आसपास, कोई नर्स नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक व्हीलचेयर है जो अपने आप में कितनी स्पूकी चीज है. ये मूवमेंट हो रही है, सिक्योरिटी गार्ड ही कर रहा है क्या? हाँ, नहीं, वो कह रहा है सी आई न्यू इट. क्या व्हीलचेयर के नीचे किसी ने धागा लगाया पता नहीं. वो भाग गया, वो रुका भी नहीं देखने के लिए कि और कितना मूव कर रही है, कोई है नहीं है. वो हमारे जैसा था, मूवमेंट देखिए और फुट लिया वहां से. बढ़िया बंदा था यार, एक्चुअली समझदारी तो यही कहती है. यार मैं एक बात बोलूं, वीडियोस देखते देखते ना मेरे को सच बहुत ठंड लग रही है. ठंड लगने का मतलब पता क्या होता है? भूत का आने का आगाज. एग्जैक्टली, जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है ना मुझे लग रहा है हमने इस एक पर्टिकुलर रूम में इतनी भूतों की वीडियो शूट करी है ना, कोई ना कोई भूत तो पक्का. एक तो पक्का है. नेक्स्ट वीडियो में महमूद नाम का एक लड़का है जो एक हॉन्टेड बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने जा रहा है. वो एकदम अबैंडेड बिल्डिंग है और कोई तो चीज है जो उसे देख रही है. माना जाता है कि ये कर्स्ड है. देख रहा है तू, कॉन्टिन्यूसली प्रेयर्स चैंट कर रहा है. तो वो जैसे जैसे बिल्डिंग एक्सप्लोर करता है उसे कुछ कुछ पेपर्स मिलते हैं, पर वो उनपे अटेंशन पे नहीं करता. उसे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता क्या ही चीज है, बट उन पेपर्स के पीछे भी कुछ ना कुछ तो कहानी है. इसे बार बार लग रहा था उसके पीछे उसको कोई फॉलो कर रहा है, उसको कोई देख रहा है. एग्जैक्टली, देख रहे हो आप, आवाज सुन सकते हो बीच बीच में. एंड उसे एक और पेपर मिला वहाँ पे, पर उसे वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है. एंड ये पेपर अपने आप मूव भी कर रहा है. Oh my God. ये कैसा पेपर है भाई? मुझे उठाओ आके. ये पेपर है चूहा है, पहले तो मुझे बता. और उसके बाद चीजें एकदम खराब हो गई हैं. उसको एक रेड पेपर मिला कैबिनेट में पड़ा हुआ. वो सोच रहा कि मैं इसको ओपन करूंगा. आएगो, डर भी फुल लग रहा है पर एक्सप्लोर भी करना है. एग्जैक्टली, पता नहीं क्या होने वाला है. क्या मतलब है अंदर यार? बिस्मिल्लाह, आग लग गई पूरे में उसकी. यार हाउ इज इट इवन पॉसिबल? भाग रहा है वो, पता नहीं क्या लोग इधर है. हार्ट फेल हो जाएगा यार ये बंदे का. भाई गट्स होते हैं लोगों में जो ऐसी हरकतें करते हैं ना, चाहे फेक भी हो, हिम्मत चाहिए अंदर अबैंडन्ड फोर्ट में जाने के लिए. ओके, वो पेपर बर्न नहीं हुआ है, वो फ्लोर बर्न हुआ है जो पेपर के नीचे था.
बाद में वो पेपर देखा तो उसमें सीरीज ऑफ कुछ नंबर्स, कुछ अलग अलग अल्फाबेट्स, सिंबल्स बने हुए थे, लाइक कोई एक काइंड ऑफ मैसेज हो, लाइक वो कर्स्ड मैसेज जैसे होता है ना। तो ये मैथहॉल नाम का एक यूट्यूबर है, इसने रैंडोनॉटिका नाम की एक बहुत ही पॉपुलर आजकल एक ऐप है वो डाउनलोड करी, और उस ऐप से ना आपको कोई अपनी क्लोज बाय नियर बाय की एक लोकेशन मिलती है जहाँ पे सपोजेडली कोई सिमुलेशन होता है, भूत होता है। मतलब ये ऐप आपको ये बताती है कि वहाँ पे भूत है और जाओ उससे मिलके आओ। हाँ एग्जैक्टली, तो इंस्टॉल कर और जा कर। मैथहॉल का देखते हैं इसके साथ क्या हुआ है। ठीक, तो भैया पहुँच गए हैं जंगल में, अपनी गाड़ी बुलाती है उसको की कहाँ है, हेल्प मी। इतने प्यार से भूत अगर बुलाने लग गए ना आजकल तो बात ही अलग हो जाए। पक्का सिमुलेशन, ये रात को पहुंच गए हैं कहीं और, वो कह रही है वांट टू प्ले गेम। जैसे तुझे याद है हमने भी अपने घर में एक दिन घोस्ट देखा था उस ऐप पे, ये वही है, वो सिमुलेशन है। अब उस लोकेशन में पहुंच गए, वो लोकेशन ट्रैकिंग कर रहा है और वहाँ से आपको आवाज आ जाएगी कोई रैंडम हेल्प। पता है मैट हॉल के साथ आगे क्या हुआ? तो एक रात को मैट हॉल जो था वो अपने ऑफिस में नाइट शिफ्ट कर रहा था, एकदम से जो सेंसर्स थे उसके कैमरास के, जो सिक्योरिटी कैम्स होते हैं, वो बजने लग गए। एक बंदा है जो बैग लेके जा रहा है ऑफिस के बाहर से रात को इस टाइम पे, ऐसे कौन होगा जो ऐसे बैग पैक लेके जा, वो भागा बंदा, क्या बैग रख के, ओ भाई उसके नॉक हो रहे हैं दरवाजे, कह रहे इज आउटसाइड द डोर, ओ डैम वो बंदा वहीं पे है, ऑफिस के पीछे वाली बिल्डिंग में चला गया। बंदे ने 911 पे कॉल कर दिया हेल्प के लिए। भाई 911 पे कॉल किया, दैट मींस एक्चुअली में रियल फुटेज है यार, ये ऐसी एप्स वेप्स मत यूज करा करो यार, ये सब होता है। फिर पुलिस ने आके पूरा फाइंड आउट करा कि कौन था क्या था, पर कुछ नहीं मिला। इनफैक्ट जो ये बैग था वो भी वहां पे खाली बैग था, कुछ नहीं था उसके अंदर। नेक्स्ट वीडियो जो है ये हर्स्ट कैसल इंग्लैंड की है, ये बेसिकली एज अ प्रिजन यूज होने लग गया था काफी टाइम तक, पहले फोर्ट था फिर प्रिजन था। माना जाता है कि ये हॉन्टेड है और इसके अंदर बहुत ज्यादा घोस्टली प्रेजेंस होती है। अभी ये दो बंदे हैं, टोनी पाजी ते पॉल पाजी, ये दोनों जाने वाले हैं इस कैसल को एक्सप्लोर करने। लेट्स सी क्या होने वाला है, कुटाई करवा के आएंगे अपनी, देख लियो। तेरे को पता है प्रेरणा क्या, ये कैसल ना अड्डा बन चुका है पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का। क्या मतलब बडीज बन के जाते हैं कि चलो लेट्स फाइंड आउट घोस्ट टुडे, या फिर तो हमें कैसल जा सकते हैं। फिर मैं भी सोच रहा था ऐसा कोई कैसल ढूंढते अपने आसपास जहाँ पे हम ऐसे भूत या एक्टिविटीज देख सके। पर जाएंगे दिन में, सर्दी ना सारी बेकार। चल अब देखते हैं क्या होता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे एक डेड मॉन्क की आत्मा घूमती रहती है इधर उधर। टोनी और पॉल बड़े यार हिम्मत वाले, अलग हो गए दोनों, कह रहे स्प्लिट होकर ढूंढेंगे। भाई ये पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, एक दूसरे की गोदी में बैठ के थोड़ी ना करेंगे। अच्छा बड़े डायलॉग वाले आगे देखो। ओ ये देख टोनी पाजी अकेले ही कहीं रूम में घूम रहे हैं। क्या अभी इतने पास क्यों आ रहे हैं इनकी आंखों में, क्या तारे चमक रहे थे ना। बट इन्होंने मुक्का क्यों मार दिया अपने कैमरे पे, गुस्सा आ रहा होगा उसको भी, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। और आई थिंक उसे किसी ने पोजेस कर लिया था, किसी स्पिरिट ने शायद। फिर एक ये रूम में गए जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है और क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हुआ। फिर उन्हें एक विंडो नजर आई जिसके पीछे सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे, कुछ भी नहीं था। वो विंडो नोवेयर ओपन होती थी और वो उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनको देख क्या दिखाई दिया, कोई यार बच्चा उनकी आंखों में। एक तो ये जो लाइट्स है ना वो मुझे इतना ज्यादा स्पूक आउट कर रही है ना, अबे कोई है। हाँ ऐसे पीकअबू करा किसी ने विंडो के साइड से, पर एक्चुअल में पीछे विंडो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं वहाँ पे। ये तो यार बहुत क्रीपी है, ओ गॉड इसकी आंखें एकदम चमक रही हैं, वो जो बच्चा दिखाई दे। आप बताइए असली है या झूठा, बच्चों कितना ज्यादा क्रीपी है। गाइस आज के लिए इतना ही, हम ऑलरेडी काफी स्पूक्ड आउट हो चुके हैं और ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते एक्चुअली 3 बज चुके हैं। मुझे सच्ची बता रहा हूँ 3 बज चुके हैं, नींद नहीं आने वाली आज। इमेजिन 3 बज चुके हैं, नींद आएगी भी कहाँ। गाइस एंजॉय वाचिंग दिस वीडियो, इफ यू डिड आपको पता है आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर हॉन्टेड वीडियो चाहिए जल्दी से तो आपको पता है 250K लाइक्स का टारगेट है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।